शिव भक्तों के कारनामे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पूरे झारखंड में मनाए जाने वाले चड़क पूजा बोकारो में भी धूमधाम से मनाया गया, जहां शिव भक्तों के हैरत अंगेज कारनामे ने लोगों का मंत्रमुग्ध कर दिया। बोकारो के चास प्रखंड के पुंडरू पंचायत में बड़े ही धूमधाम से चड़क सह भोक्ता पूजा मनाई गई। इस दौरान शिव भक्तों ने कई करतब दिखाए, जहां कई भक्त अपने पीठ पर कील चुभाकर शिव भगवान को खुश कर रहे थे तो कोई अपनी जीभ पर कील चुभाकर भगवान को खुश किए। श्रद्धालुओं ने अलकाप के जरिए कई सारे प्रदर्शन भी किए, जिसमें भीष्म पितामह के साथ यीशु मसीह के किरदार में भी नजर आए। बताते चले कि बोकारो में धूमधाम से मनाया गया भोक्ता पर्व सह चड़क पूजा। चंदन क्यारी, नावडी, फुसरो सहित कई जगहों पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव मंदिर में भी चड़क पूजा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भक्तों द्वारा पीठ पर लोहे का कील चुभाने का प्रथा है। जिन भक्तों की मुराद पूरी होती है वे 2 दिनों का उपवास रखते हैं और उसके बाद पीठ पर कील चुभोकर उसे रस्सी से बांधकर 40 फीट की ऊंचाई पर ऊंची बांस और पल्ली से अपने आप को बांधकर कई चक्कर लगाते हैं। इस दौरान नीचे परिवार के लोग खड़े रहते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। श्रद्धालु 40 फीट की ऊंचाई पर कई बार चक्कर लगाने के बाद फिर नीचे उतारा जाता है। इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ भी देखी जाती है। कई श्रद्धालु बारी बारी से घूमते हैं और अपनी मुराद पूरी होने के बाद शिवालयों में प्रसाद और भोग भी चढ़ाते हैं। झारखंड में विशेष तौर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। पुरोहितों ने कहा कि कई वर्षों से इस परंपरा चलती आ रही है, जहां पर भक्त अपने शनिवार को ये भोक्ता पर्व जो होता है, ये तो हमारे मास्टर साहब ने बताए 200 साल सही में है, हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन एक वो कील दिया जाता है जिसके आधार पर हम लोग गिनते हैं, तो 200 कील मिला था, 202 गुरु, इसलिए 202 साल हुआ। 2 साल में हमारे जो कोरोना काल था जिसके चलते बंद था, अब 201 साल होने जा रहा है वो कील के आधार पर। और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो सब धर्म के लोग तथा गांव के सभी जाति लोग, जो हमारे गांव में बहुत बड़े बस्ती हैं, बड़े बहुत जात हैं, यहाँ पर सब जात मिलजुल के बाबा के आशीर्वाद के स्वरूप ये भोक्ता पर्व हम लोग करते आ रहे हैं और बाबा का दया पर ये होता है। एक से एक हेरत अंग्रेज रामा होता है, जिसमें बाबा के चलते किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये हम लोग बाबा का मैंने बाबा से भक्ति रख करके और बाबा का ही दबाव समझ करके ये भोक्ता पर हम लोग करते आ रहे हैं। मेरा नाम है शंकरी प्रसाद झा, अब हम इस मंदिर का आज मुख्य पुजारी हूँ और पंडा हूँ, और हमारे पूर्वज ने इस बाबा का स्थापित किए हैं, पूजा किए हैं, हम लोग पुजारी पंडा ब्राह्मण हैं। मेरी उम्र जो है 72-73 वर्ष हो रही है और उसके पहले से मैं छोटा बच्चा था, उसी समय से भले मंदिर पुराना था, फिर से इसका जो कायाकल्प हुआ है, फिर से इसका निर्माण किया गया है, लेकिन पूर्वजों के मतानुसार यह 200 वर्ष से कम होने वाला नहीं है, 200 वर्ष से ऊपर ही होगा लेकिन कम नहीं। लगातार 2 साल में बंद रहा, हाँ बहुत खुशी हो रही है सर, आज 2 साल नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग छटपट आ रहे थे। गाँव वासी की ये जो परंपरा है, अपने मन से भगवान भोलेनाथ जिसको जैसी प्रेरणा देते हैं, कोई मास्टर साहब हैं तो वे आकर के एकदम नकली साधु बन जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है वो भी जो है कील ठोकवा लेता है, भक्ता लोग जो है वो भी अपने छाती में पीठ में कम से कम आपका 5-7 जोड़ा कील जोड़ करके अपने पैरों में गगरा टांग करके साइकिल टांग करके, और भक्ता जो फूटा होता है कम से कम आपका 25 फीट से तो कम नहीं होगा, 25 फीट ऊपर में घूमते हैं। लगभग कितने भक्तों का जमावड़ा होता है? हाँ जमावड़ा होता है, भक्त कम से कम 40-45 होते हैं सर, लेकिन सब घूमते नहीं हैं, उसमें से घूमने वाले आपको 15-20 होते हैं और बाकी ऐसे ही पर्व त्योहार करते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं 3 दिन तक। 12 तारीख को फलाहार हुआ अर्थात शाम तक भूखे रहे, फिर पानी पिया, कल जो है गाजन था, कल भी दिन भर रहे, रात 12:30 बजे खाना खाया, और आज जो है आज भी जब भक्ता पूरा समाप्त होगा शाम होने के बाद भी वे अन्न ग्रहण करेंगे। भजहरी माथा सेवानिवृत्त शिक्षक, जनता उच्च विद्यालय, पुंडरू।